कान्हाचट्टी प्रखंड मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूरी पर कान्हाचट्टी मुख्य बाजार है, जहां 1 साल पहले सड़क किनारे नाली निर्माण किया जा रहा था, लेकिन पिछले 1 वर्ष से नाली निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रहा है। आइए देखते हैं चतरा जिला प्रखंड कान्हाचट्टी बाजार से एक रिपोर्ट। समस्या है कि सबसे पहला कि यहाँ सड़क नाली जो बनाया है नाली ठेकेदार, 1 साल पहले अधूरा बना के छोड़ दिया है, तो पूरे नाली का पानी सड़क में ला के जम गया है, जो हम सब जनता का आने जाने में इतनी कठिनाई है, इतने कीचड़ पूरा तब्दील हो गया है सड़क, जो डेली 1-2 लोग गिर जाना पड़ते हैं रोड में जाके, कादों में गिर जाते हैं, कभी इधर गिर जाते हैं, पूरे हर कोई पूजा करने जा रहा है, पूजा करने जा रहे हैं तो पूजा कर नहीं पाते हैं, पूजा करें कहाँ से, पूरे कीचड़ में बह जाता है, पूरा पैरान डर जाता है कीचड़ में जा करके। हम लोग ठेकेदार को बार बार गुहार लगाएं बना दीजिए, लेकिन 1 साल पहले से जो छोड़ दिया है बना कर अधूरा, आज तक पूर्ण किया है, जो हम लोग इतना परेशान है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, नेता लीडर से भी कहे हैं, पंचायत का मुखिया भी बहुत प्रयास किया मीना देवी ने कि हम इसको बनवा दें, भी कई एक बार उस ठेकेदार से कही कि बना दीजिए, यहाँ का बहुत बड़ा समस्या है, पूरा कीचड़ में तब्दील हो गया है, कैसे जनता बराबर हमको कहता है, हम क्या करें, इन 1 साल पहले बना जो छोड़ा है फिर काम आज तक नहीं लगाया है, 1 साल पहले अधूरा बना छोड़ दिया है जो आज तक पूर्ण नहीं किया है। कौन सा कंपनी बना रहा था? इसका नाम है UMSL। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं नहीं बनाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। कितने लोग को परेशानी हो रहा है? करीब करीब पूरे प्रखंड का लोग का परेशानी है। समस्या ये है, ये रोड मेन मार्केट से गुजरता है और ये अधूरा जो नाली बनी हुई है इससे आवागमन में लोगों को बाधित होता है, और इससे होता है क्या कि मुस्लिम मोहल्ले का पूरा कीचड़ वाला पानी रोड पर आके जम जाता है, और रोड पर जमने के कारण लोगों को आवागमन में बाधित होता है, सभी को कपड़ा में छींटा पड़ता है, और ये नाली अगर यदि पूरी हो जाती है तो यहाँ का जनता को आवागमन में भी सबका सुविधा रहेगा। और कितने दिन से खराब है ये? 1 साल से ऊपर ही हो गया है नाली बनते, अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए समुदाय के साथ बैठक कर एक आवेदन बनाया और प्रखंड विकास पदाधिकारी के मोबाइल पर फोन करने का प्रयास किया तो उनका मोबाइल बंद था। आगे मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी संपर्क करूंगा। अगर आप लोगों के पास भी इस समस्या के समाधान करने के लिए कोई तरकीब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मैं जल्द ही इस पर बदलाव लाकर आप सबों को अपडेट करूंगा। मैं सरोज कुमार रवानी, झारखंड चतरा से, इंडिया अनहट के लिए।